अपने विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय रेल लगातार दिन रात देती है अपनी सेवाएं, पर कई विकसित देशों की तुलना में रेल द्वारा माल ढुलाई का प्रतिशत यहां अब तक रहता आया है बहुत कम, जिसके कारण बढ़ती है लॉजिस्टिक्स की लागत और प्रभावित होती है बाहर के मार्केट से हमारे उत्पादों की प्रतिस्पर्धा। इस स्थिति को बदलने और रेलवे को आधुनिक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में लगातार कदम उठाए गए हैं। इसी दिशा में रेलवे से माल ढुलाई के एक नए दौर की शुरुआत का साक्षी बना देश, जब पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर रेलवे लाइन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों किया शुभारंभ, जिससे मालगाड़ियों की रफ्तार हो गई है 3 गुनी। आज फिर एक ऐतिहासिक दिन है। अब अजमेर के गुलाब की खुशबू से पूरा महाराष्ट्र महकेगा। किशनगढ़ के ग्रेनाइट की खूबसूरती रेलवे द्वारा देश के कोने कोने तक जाएगी। NCR की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से मिलने को तैयार है। साथ ही राजस्थान के सरसों और बाजरे को मिलेगा अब पूरे भारत का बाजार, और ये सब संभव करेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। JNPT मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला 1506 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के सपने को देगा मजबूत आधार। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ी द्वारा माल के परिवहन को बनाएगा सुगम, किफायती, तेज, ऊर्जा दक्ष और प्रदूषण रहित। इस कॉरिडोर में डबल स्टैक वाली मालगाड़ियों का हो सकेगा परिवहन। ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस जैसी सुविधा इसे देगी अलग पहचान। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 5,800 करोड़ रुपए की लागत से बना 306 किलोमीटर लंबा नवनिर्मित सेक्शन मदार से रेवाड़ी है पूरी तरह तैयार, और साथ ही तैयार किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कंटेनर डिपो। औद्योगिक विकास के नए पन्ने को लिखने के लिए अब बढ़ेगी इंडस्ट्रियल क्षेत्रों तक रेल की पहुंच। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों और उद्योगों को मिलेगा उत्तर भारत का बड़ा बाजार। देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के उपज, उत्पाद और उद्यम पाएंगे पैन इंडिया पहचान, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प होगा और भी समृद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी से मदार खंड का राष्ट्र को समर्पण, साथ ही न्यू अटेली और न्यू किशनगढ़ से डबल स्टैक मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवानगी।